गोरखपुर में नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। रोहिणी नदी बुधवार से ही खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। राप्ती व सरयू नदियों के जलस्तर में भी लगातार वृद्धि जारी है। सरयू नदी अयोध्या पुल पर चेतावनी स्तर से ऊपर बह रही है। इसी तरह राप्ती नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। रोहिणी नदी खतरे के निशान 83.33 मीटर के पार बह रही है। नदियों के जलस्तर में वृद्धि को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है और एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ को भी अलर्ट किया गया है। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए तटबंधों की निगरानी भी तेज कर दी गई है। जलस्तर में वृद्धि को देखते हुए सभी बाढ़ चौकियों को क्रियाशील कर दिया गया है। लाउड हेलर, लाइफ जैकेट, सर्च लाइट एवं एप्रेन चौकियों पर रखवा दिया गया है। बाढ़ चौकियों पर तैनात विभिन्न विभागों के कर्मचारियों का मोबाइल नंबर, नाम एवं पदनाम प्रदर्शित किया गया है। उन्होंने सिंचाई विभाग के साथ ही सभी विभागों को तटबंधों पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया। नदियाँ पिछले 2-3 दिनों से लगातार नदियों में जलस्तर में वृद्धि हो रही है, क्योंकि वर्षा भी ऊपर की साइड में भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है और इस समय भी मतलब इधर तो रुकी हुआ है लेकिन ऊपर की साइड में बारिश हो रही है। तो जो बारिश हो रही है उसका नतीजा है कि ये नदियाँ बढ़ रही हैं और अभी इसका जो बढ़ने का क्रम है वो अभी लगता है 1-2 दिनों तक ये बनी रहेगी। और अभी राप्ती जो है वो चेतावनी और घाघरा जो सरयू नदी है ये दोनों चेतावनी स्तर को पार की हैं और रोहिणी नदी अभी डेंजर लेवल को क्रॉस की है। तो इस लिहाज से अभी नदियों में थोड़ा सा बढ़त हम लोग अभी वॉच कर रहे हैं उस चीज़ को। देखिए ऐसा है कि जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार संबंधित क्षेत्र के उप जिलाधिकारी, सिंचाई विभाग और पुलिस विभाग की एक संयुक्त टीम लगातार तटबंधों का निरीक्षण कर रही है और वो लगातार हम लोग उनसे संपर्क बनाए हुए हैं। साथ ही जो बाढ़ सुरक्षा समिति है ग्राम स्तर पर उनके साथ भी एक समन्वय स्थापित किया गया है। आपदा विभाग के अंतर्गत एक कंट्रोल रूम भी स्थापित कर दिया गया है जिसका नंबर 220-1796 है और मोबाइल नंबर 94-54-41-62-52 ये दो नंबर इस पर एक्टिवेट कर दिए गए हैं, जो 24x7 राउंड द क्लॉक ये कंट्रोल रूम चल रहा है। यदि किसी प्रकार की कहीं से कोई सूचना प्राप्त होती है तो इस नंबर पर दी जा सकती है और इसके तहत त्वरित कार्रवाई संबंधित विभाग के माध्यम से कराया जाएगा।